दोस्तों, मैं विनीता, क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ये जो सामने तीन ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से ऑल को सिलेक्ट करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोकोनट चटनी, जिसे आप साउथ इंडियन कोई भी डिश के साथ सर्व कर सकते हो, जैसे इडली, डोसा, मेंदू वड़ा। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने एक नारियल को कट करके धो के इसके जो ब्लैक वाला पार्ट है इसे रिमूव कर दिया है। साथ ही मैंने लिए एक हरी मिर्च, आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है चना दाल, इसको मैंने हल्का सा भून लिया है। फ्रेश दही लिया है एक कटोरी। साथ ही हम लेंगे कुछ धनिया पत्ती। अब इन सबको हम ब्लेंडिंग जार में पीस लेंगे। पीसने के लिए हम लेंगे एक ब्लेंडिंग जार, उसमें हम नारियल को ट्रांसफर कर लेंगे। सबसे पहले उसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश दही एक कटोरी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती और इसमें हम डालेंगे रोस्टेड चना दाल। चना दाल को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अगर आपका जार छोटा हो तो इसे 2 बैचेस में पीसें। अगर जरूरत पड़े तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हो। अब ढक्कन लगाकर इसे हम पीस लेंगे। मिक्सी का जार मेरा छोटा पड़ रहा था तो मैंने नारियल और सारे सामान को 2 बैचेस में पीस कर तैयार कर रही हूँ। मुझे पानी की भी आवश्यकता पड़ी तो मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है ताकि ये स्मूथली पिस जाए। चटनी हमारी पीस कर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना था, बस 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल मैंने किया है। अब इसके लिए हम तड़का बना करके तैयार करेंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है एक तड़का पैन। गैस ऑन करके पैन को मैंने चढ़ा दिया है। उसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच तेल। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 सूखी मिर्च। अभी तेल गरम नहीं है, गरम तेल में सूखी मिर्च डालने से सूखी मिर्च हमारी जल जाती है। तेल को हम गरम होने देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच राई। राई को इसमें हम ऐड कर देंगे और राई को हम चटकने देंगे। राई हमारी चटक चुकी है, अब हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ करी पत्ता। अब इन सबको हम अच्छे से कुछ इस तरह हिला लेंगे और इसे हम चटनी में अब ट्रांसफर कर देंगे। तड़के को हम चटनी में ट्रांसफर कर देंगे। चटनी हमारी सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे फ्रिज में रखें ताकि ये फ्रेश रहे और सर्व करते टाइम इसे आप ठंडा ठंडा सर्व करें। कोकोनट चटनी हमारी सर्व होने के लिए तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को जरूर से प्रेस करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।